एकदम हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के साथ, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करेंगी? महिलाएं बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहेंगी और पूरा ईमानदारी के साथ रहेंगे। ये एनडीए में जाते हैं कि कहां जाते हैं, अभी ये मैटर करता ही नहीं है। और उनका निर्णय सर्वोपरि है, कार्यकर्ता उनके हर निर्णय के साथ रहता है। जी नहीं, हम जो नेता हमारा कहेंगे, जो उनका निर्णय होगा हम सबको वही स्वीकार है। उनका निर्णय हम लोग के लिए सर्वोपरि है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं इस ये तस्वीरें देखिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट आई हैं। आप देख सकती हैं कि महिलाओं का समूह जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू का पहली बार आ रहे हैं, कितनी खुश हैं और कितनी उत्साहित हैं आप? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी पार्टी का कमान संभाल चुका है और दोबारा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आ रहे हैं, तो महिलाओं की क्या खुशी है वो यहाँ देख सकते हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री जी के बधाई देने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं, और ऐसे भी जब मुख्यमंत्री जी की बात आती है, नीतीश कुमार जी की बात आती है, तो महिलाएँ फर्स्ट होती हैं, क्योंकि जो उन्होंने महिलाओं को दिया है वरदान के रूप में, जिस तरह से महिलाओं के घर से निकाल करके जो मौका उन्होंने दिया है, इतना सुनहरा मौका बिहार में कि आज बिहार की महिलाएँ जॉब से लेकर के सेल्फ डिपेंडेंट तक हुई हैं जीविका के माध्यम से, तो उसके बाद महिलाएं कभी पीछे रह ही नहीं सकती। इस बार महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करेंगी? महिलाएं बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहेंगी और पूरा ईमानदारी के साथ रहेंगी। कितनी उत्साहित हैं आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी कुशल संगठन करता है, और पहले भी पूर्व में भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी को बहुत ही अच्छे तरह से संभाला है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार हमारी पार्टी सत्ता में है, और इस बार भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सारे कार्यकर्ताओं में खुशी है, और उन्हें बधाई देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज यहाँ हम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हाँ जी, राष्ट्रीय जी जी बिल्कुल, बहुत उत्साहित हैं, और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और हम सब में बहुत जोश और बहुत उत्साह है। आप आगे आइए, कितनी उत्साहित हैं आप? बहुत हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। एक सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं एक साथ सबसे करूंगा, फिर से स्टार्टिंग कर देता हूं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो सही रहेगा? देखिए, ये एनडीए में जाते हैं कि कहां जाते हैं, अभी ये मैटर करता ही नहीं है। अभी हम अपने नेता के साथ हैं। ईमानदारी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। प्रधानमंत्री बनना हम महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात होगा, क्योंकि वो जो बिहार को हम लोग को आगे बढ़ाया बिहार में, वैसे देश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप नहीं चाहते कि एनडीए में आए नीतीश कुमार? बिल्कुल, एनडीए में चाहते हैं, ये वो निर्णय करेंगे और एनडीए निर्णय करेंगे। उनकी इच्छा नहीं है कि हमको कन्वेनर घोषित किया जाए, ये उनकी इच्छा नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के नेता सर्वमान्य नेता हैं, और उनका निर्णय सर्वोपरि है, कार्यकर्ता उनके हर निर्णय के साथ रहता है। फिलहाल हमारे पार्टी अभी जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, सो है। जी नहीं, हम जो नेता हमारा कहेंगे, जो उनका निर्णय होगा हम सबको वही स्वीकार है। उनका निर्णय हम लोग के लिए सर्वोपरि है। जब वो हमारे नेता जो भी निर्णय लेंगे वो बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए लेंगे, और उनके हित बिहार के लिए, वो चाहे जहाँ जाए हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनके पीछे हैं। हम भी यही कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास होगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देख रहे हैं कि महिलाएं का साफ तौर पे कहना, आप आगे आइए, चाहती हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाए, जो मन में हो बोलिए। एकदम हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के साथ, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं कि सोचना है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि नीतीश कुमार के सारे फैसले महिलाओं के प्रति जो है पूरा ईमानदारी के साथ, हम लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं, और सभी फैसले उनके स्वीकार हैं हम लोगों को। नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वो सभी फैसला स्वीकार है, आपको स्वीकार है एनडीए में जाते हैं तो? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, और जहाँ जाएंगे वहाँ हम महिलाएं उनके साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से उनके हर निर्णय को। हमें जरूरत है, वो जहाँ भी जाएंगे, एनडीए में जाए या इंडिया में जाए, पलड़ा उसका भारी ही होगा। बिल्कुल, उसका पलड़ा भारी। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू आज पूरा बिहार ने, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश कुमार का फेस वैल्यू क्या है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ पूर्ण रूप से महिलाएं पूरे दलबल के साथ है, रही है और रहेंगी।
चलिए, ये जेडीयू की महिला कार्यकर्ता है जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो जिस साइड भी रहे उस साइड पल्ला जो है वो भारी रहेगा गठबंधन का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।